Hello students, today we will start very important topic for class 11 as well as class 12, that is relation and function. Beta, relation and function class 11 or class 12 ke liye, it is very important chapter, very important topic. Relation and function aapko bahut sare chapters mein, bahut sare topics mein dekhne ko milega, trigonometry and aapka डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन. अगर आपको रिलेशन एंड फंक्शन बहुत अच्छे से आता है तभी आप उनके क्वेश्चंस कर पाओगे. सो व्हाट इज रिलेशन एंड व्हाट इज फंक्शन, मैं इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे हम और आपको इसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ. ओके सो लेट्स स्टार्ट. रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन, व्हाट इज रिलेशन. अब रिलेशन से पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज सेट. सेट जानते हैं आप, सेट क्या है. सेट सबसे पहले देखो पता होना चाहिए आपको सेट. व्हाट इज सेट. सेट इज ए वेल डिफाइंड अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स या वेल डिफाइंड अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट वन सेट. It is 1, 2, 3, 4 and so on. ये क्या है? एक set है. This is, you can write like this also. 1, 2, 3, 4. This is a set. और इस set में जो ये है, 1, 2, 3, 4. ये क्या है? These are the elements. ये क्या है? इसके elements हैं. Clear बात? अब आप कहोगे सर, आप तो relation function पढ़ाने वाले हो. What is this set? देखो बेटा, पहले आपको सेट पता होना चाहिए, उसके बाद मैं आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट बताऊंगा और उसके बाद आएगा रिलेशन. डायरेक्ट अगर आपको मैं रिलेशन बता दूं कि रिलेशन क्या है तो आपको समझ नहीं आएगा. तो सबसे पहले सेट समझ में आ गया आपको. सेट क्या है? वेल डिफाइंड अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि हम मैथमेटिक्स में मैं बता रहा हूं तो क्या नंबर्स का, वेल डिफाइंड अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स. क्लियर? सेट हो गया ये ए सेट. बी सेट ले लेता हूं मैं आपको, 5 and 6. ये मैंने ले लिया कोई भी बी सेट. क्लियर बात? अब बात करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट की. ये कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है? देखो बेटा, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी को क्या बोलते हैं? ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट. कैसे? सबसे पहले यहां से स्टार्ट करते हैं. 1 5, 1 5. What is the means of 1 5? 1 की इमेज देखो, जो इसको बोलते हैं ordered pair. इसे यहाँ पे ये 1 5 लिख के आ मिला मुझे 1 5. तो ये 1 5 क्या है? This is an ordered pair. इस ordered pair में जो ये 1 है, ये तो होती है domain. 1 क्या है? इसकी domain. और ये जो 5 है वो इसकी क्या है? Range. क्लियर? मतलब हमें 1 रखने से क्या मिला? 5 मिला. राइट? तो पहला 1 5, तो फिर 1 6, देन 1 1 5 1 6 हो गया. उसके बाद 2 5, फिर 2 6, देन 3 5, 3 6, देन 4 5 एंड 4 6. क्लियर? तो दिस इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी. ए एंड बी का ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है. क्लियर बात? अब एक फॉर्मूला होता है बेटा, नंबर ऑफ ए इनटू नंबर ऑफ बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए क्रॉस बी. नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, नंबर ऑफ ए का मींस ए में कितने एलिमेंट्स हैं. तो देयर आर 1 2 3 4 एलिमेंट्स. नंबर ऑफ बी, बी में कितने एलिमेंट है? 1 and 2. ए में 4 एलिमेंट्स, B में 2 एलिमेंट्स. तो हाउ मेनी एलिमेंट्स इन A क्रॉस B? मतलब A और B के क्रॉस प्रोडक्ट में, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, कितने ऑर्डर्ड पेयर होंगे? तो कितने होने चाहिए? 4 यहां पे, 2 यहां पे, तो 8 होने चाहिए. 1 2 3 4 5 6 7 8. तो ये फॉर्मूला आप याद रखें, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. इज दैट क्लियर? ये बात समझ में आ गई आप लोगों को?
तो ये एक नॉर्मल सा इंट्रोडक्शन मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट का दिया। अब रिलेशन क्या है, व्हाट इज रिलेशन। देखो एक ही थोड़ी सी बात बताऊंगा, छोटी सी बात, उसको ध्यान में रखना है। रिलेशन, ए रिलेशन इज ए सबसेट और इक्वल टू ए क्रॉस बी। व्हाट इज रिलेशन, रिलेशन इज ए सबसेट एंड इक्वल टू, इसका ये सिंबल क्या है, सबसेट और इक्वल टू, द रिलेशन इज सबसेट और इक्वल टू ए क्रॉस बी। मतलब अगर कोई रिलेशन ए से बी है, ए से बी, व्हाट इज द मीन्स ऑफ दिस, ए रिलेशन इज ए टू बी। मैं बताता हूं इसको, इट मीन्स जो ये ए है, ये तो ए है हमारा सेट ए, मतलब यहां से तो हम डोमेन लेंगे, यहां से तो वैल्यू लेंगे। बी क्या है, ये हमारा कोडोमेन जहां पे हमारी रेंज बनेगी। क्लियर बात, जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने एक सेट ले लिया 1 2 1 3 5 ले लेते हैं, सेट बी ले लेते हैं हम 2 7। क्लियर, और एक रिलेशन हम ले लेते हैं कहां से, ए से लेके बी तक, ए से लेके बी तक, मतलब जो हमारी डोमेन होगी वो तो ए से आएगी और जो हमारे रेंज है वो कहां से आएगी, बी से आएगी। क्लियर, तो इसका ए क्रॉस बी जब हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 1,2 1,7 एज 3,2 एंड 3,7 एनी डाउट, देन 5,2 एंड 5,7। This is the Cartesian product. अब मैंने क्या कहा है आपको, a relation is subset or equal to a cross b। मतलब अगर कोई relation हम a to b दे रहे हैं, तो relation में क्या-क्या हो सकता है? Relation क्या हो सकते हैं a to b? वो हो सकते हैं, for example, मैं लिखता हूँ R1, 1,2 then 3,2। क्या ये relation हो सकता है? क्या ये relation है? बताइए। अब आप चेक करोगे इसमें 1 2 यहां से बिलोंग कर रहा है, 3 2 यहां से बिलोंग कर रहा है, तो यस, जो ये R1 है, दिस R1 इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B, मतलब इसके जो एलिमेंट है वो A क्रॉस B से लिए गए हैं, तो यस दिस इज रिलेशन, दिस रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम A टू B, ये रिलेशन A से B डिफाइन करेगा। क्लियर है बात, कोई डाउट नहीं होगा इसमें। ऐसी अगर मैं R2 लिखूं, R2 इज 5,2 5,7 एंड 1,7, तो बताओ क्या ये रिलेशन है? सोचिए, बताओ A टू B क्या ये रिलेशन एग्जिस्ट करेगा? हाँ करेगा, तो यस करेगा, क्योंकि ये जो एलिमेंट्स हैं, जो ये ऑर्डर पेयर है, वो A क्रॉस B से ही लिए गए हैं। दीज आर द सबसेट, this is the subset of A cross B, so yes this relation is also defined, ये relation भी define करेगा। but अगर मैं R3 ये लिख दूं 1,2 1,7 and 8,10, तो क्या ये this is relation from A to B, क्या ये relation है? अब ये relation नहीं है, because 1,2 भी है, 1,7 भी है, बट 8,10 इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में नहीं है, तो 8,10 नॉट बिलोंग्स टू A क्रॉस B, ये इसके ऑर्डर पेयर इससे बिलोंग नहीं करता, तो दिस इज नॉट रिलेशन फ्रॉम A टू B, R3 रिलेशन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये जो ऑर्डर पेयर है, ये इस A क्रॉस B में लाई नहीं करता, ये A क्रॉस B में नहीं है। क्लियर बात, तो रिलेशन हमेशा याद रखना, इतनी सी डेफिनेशन याद रखनी है बस रिलेशन की, कि जो रिलेशन है वो सबसेट और इक्वल टू A क्रॉस B होगा, वो उसका ही एलिमेंट हो सकता है, उसी के सबसेट हो सकता है, अदरवाइज नहीं। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रिलेशन। ओके ओके, रिलेशन आपको समझ में आ गया अच्छे से, बस इसका एक टॉपिक और देखिए, डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन।
व्हाट इज डोमेन, व्हाट इज रेंज एंड व्हाट इज फॉर डोमेन. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. डोमेन, रेंज और कोडोमेन, ये क्या है? देखो ध्यान से, बहुत ज्यादा ध्यान से देखेंगे. जब हम एक ले लेते हैं, एक रिलेशन ले लेते हैं यहां से, दिस इज वेन डायग्राम. यहां से मैं ले लेता हूं ये 1 2 3 4 5 6 7 8 सेट ए में मैं ये अपने एलिमेंट्स ले लेता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8. सेट बी में एलिमेंट ले लेता हूं मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. क्लियर? सेट ए में मैंने एलिमेंट कितने लिए? 1 2 3 4 5 6 7 8. सेट बी में 1 से लेके 10 तक. क्लियर? अब सपोज 1 रखने से यहां पे 2 आ गया. 1 की जो इमेज है वो किस पे बन गई? 2 पे. 2 का रिलेशन या 2 की इमेज किस पे? 3 की है. 3 की 4 पे, 4 की 5 पे, 5 की 6 पे, 6 की 7 पे, 7 की 8 पर और 8 की 9 पे. मैं इस तरह बना देता हूं. तो यहां से जो ऑर्डर पेयर बनेंगे इसके, इसको मैं R मान लेता हूं, इसके जो ऑर्डर पेयर बनेंगे वो कितने बनेंगे? 1, 2, 2, 3. बताया था ना मैंने कि आपको 2 रखने से क्या मिला? 3. इसको लिखेंगे 2, 3. ठीक है ना? 3, 4, then 4, 5, then 5, 6, then 6, 7, then 7, 8. 7, 8.